एरवावी। बिल्ली मौसी बड़ी उदास, लगता है कोई खास है बात। खास बात क्यों नहीं होगी, इस कहानी का लड़का कह रहा है कि वो अपना होमवर्क एक शरारती बिल्ली के कारण पूरा नहीं कर पाया। काफी बेकार सा बहाना मालूम देता है ना। देखते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। कहानी का शीर्षक है सब उस बिल्ली की गलती है। लेखिका अनुष्का रविशंकर, चित्र बनाए हैं प्रिया कुरियन और हिंदी में अनुवाद मनीषा। ये कम्युनिटी स्टोरी प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मिस, सब उस बिल्ली की गलती है। अगर वो उस पेड़ पर नहीं फंसी होती तो मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं लाया होता। चढ़ने के लिए सीढ़ी उठाई ना होती तो उसकी मरम्मत नहीं करनी पड़ती। मरम्मत ना करता तो छोटी जागती नहीं। अगर मैंने छोटी को जगाया ना होता तो मेरी माँ रसोई से बाहर ना भागी होती। अगर माँ बाहर ना भागती तो बंदर हुप 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 अंदर घुसा ना होता। अगर बंदर अंदर ना घुसा होता तो उसने सारा खाना खाया ना होता। अगर उसने सारा खाना खाया ना होता तो मेरे पिताजी चाय वाली दुकान से मुर्गी के गोश्त का सालन और रोटियां नहीं लाए होते। अगर मेरे पिताजी ने चाय वाली दुकान से मुर्गी के गोश्त का सालन और रोटियां नहीं ली होती तो कुत्ता वाओ 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 उनके पीछे पीछे घर नहीं आया होता। अगर कुत्ता उनके पीछे पीछे घर नहीं आया होता तो उसने मेरा होमवर्क नहीं खाया होता। तो तुम कह रहे हो कि कुत्ते ने तुम्हारा होमवर्क खा लिया। जी मिस, सब उस बिल्ली की गलती है। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।